भव्योद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इस संभल जनपद में हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा, पिछले 10 वर्षों में हमने एक भारत का दर्शन किया है, एक नया भारत है, जिस नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा भी है और राष्ट्र को समृद्धि के नए सोपान तक पहुंचाने का संकल्प भी है, जिस नए भारत में युवाओं की आजीविका की व्यवस्था भी है, तो भारत की आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान किस रूप में? काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम में रामलला का पुनः विराजमान होना, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न होना, महाकाल में महालोक की स्थापना होना, ये वह नए भारत की तस्वीर है, जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है। यही मोदी की गारंटी है। भाइयों बहनों, ये आस्था का सम्मान, जिन लोगों ने आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ किया वे न आजीविका ही दे पाए और न भारत की आस्था को ही सम्मान दे पाए। आज तो भारत की विरासत भी सम्मानित होती है वैश्विक मंच पर। जब योग को वैश्विक मान्यता मिलती है और 21 जून की तिथि को दुनिया के लगभग 200 देश एक साथ, जब भारत के अंदर किसी एक स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों भारतीय योग की इस विधा के साथ जुड़ते हैं, तो दुनिया के 200 से अधिक देश भी भारत की ऋषि परंपरा के इस प्रसाद के साथ जुड़ते हैं। कुंभ का आयोजन यूनेस्को के द्वारा मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में से मान्यता देना हो, या फिर अबू धाबी में भी किसी हिंदू मंदिर का होना जो कभी कल्पना थी आज वह साकार हो रही है। यही नहीं, भारत के अंदर जो पहले असंभव था आज वह संभव हुआ है, जो पहले नामुमकिन था आज मुमकिन हुआ है। और वह इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पास एक यशस्वी नेतृत्व है जो भारत को समझता भी है, भारत को यशस्वी नेतृत्व भी देने की क्षमता रखता है और वह यशस्वी नेतृत्व वैश्विक मंच पर भी पूरी मजबूती के साथ भारत के गौरव और भारत के सम्मान को बढ़ाता है। और ये हम सब इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान दुनिया के मंच पर होता है, पूरी दुनिया उन्हें आशा भरी निगाहों से देख रही है, जिसके लिए भारत भारत कहलाता था, आज आजादी के बाद पहली बार 140 करोड़ की आबादी का भारत इस चीज को महसूस कर रहा है। आज सीमाएं सुरक्षित हुई हैं तो भारत के अंदर भी हर तबके का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये संबल क्षेत्र हम सब जानते हैं, यहां पर खेती किसानी के साथ ही इस पूरे क्षेत्र के विकास को लेकर के यहां की
कारीगरी और हस्तशिल्प को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जो पहले यहां पर तकनीक नहीं थी, आज कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बना करके संभल जनपद के अंदर भी बटन बनाने की परंपरागत व्यवस्था को नई तकनीक के साथ जोड़ करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से आज वह भी वैश्विक मंच पर चीन को प्रतिस्पर्धा दे रहा है। मुरादाबाद का ब्रास का आइटम हो या अमरोहा का ढोलक, यह एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। ये चीजें पहले भी थी लेकिन जिस निराशा और हताशा में थी, आज इस नए भारत में एक गरीब को मकान भी मिल रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं। संभल जनपद में गंगा एक्सप्रेसवे पूरी मजबूती के साथ बन रहा है और यहां पर औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित होने जा रहा है। आने वाले समय में संभल से प्रयागराज की दूरी और 2025 में जब प्रयागराज कुंभ होगा, हमारा प्रयास होगा उस समय डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि उस समय प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों के लोग प्रयागराज पहुंचे, प्रयागराज की दूरी को न्यूनतम करने की दिशा में यह एक नया प्रयास प्रारंभ हो रहा है और गंगा एक्सप्रेसवे इसके लिए आपके लिए तैयार होने जा रही है। ये जो कुछ भी हो पा रहा है, चाहे वह अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वह मुरादाबाद का बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाला एयरपोर्ट का हो, चाहे वह हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान का हो, चाहे वह नौजवानों के रोजगार का हो और चाहे किसानों के आमदनी को कई गुना बढ़ा करके उनके जीवन में परिवर्तन करने का हो, ये सभी कार्य ये नए भारत की एक नई पहचान बन रहे हैं और ये संभव होया हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सच्ची नेतृत्व के कारण। आज प्रधानमंत्री जी का आगमन इस भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि, जिन्हें भारत के शास्त्रों ने, चाहे वह महाभारत हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो या अन्य जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण शास्त्र हैं जिनका बात स्पष्ट करना कहना है कि कलयुग और सतयुग की संधि काल में, युगाब्द के अंत में भगवान कल्कि का अवतार अवश्य होगा और इस धराधाम में पुनः सनातन धर्म की स्थापना का जो कार्य उस समय अधूरा रह गया है वह उनकी कृपा से संपन्न होगा। तो ये मान करके चलिए कि अयोध्या धाम में रामलला के विराजमान होने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की है यह वहां से उसकी शुरुआत है और यह होकर के रहेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी शिला रखने के लिए स्वयं इस कल्कि धाम के इस आयोजन में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी श्रद्धालुजनों से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबल जनपद की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।